भावखेड़ी में तो दलित बच्चों की हत्या के 20 दिन तक भले ही नेताओं और अधिकारियों के दौरे को आश्वासन के चलते पर रविवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे तो उनकी मांग सुनते ही 24 घंटे के अंदर न केवल उन्हें शिवपुरी में सरकारी आवास मुहैया करा दिया बल्कि निजी तौर पर 5 लाख रुपये की सहायता राशि देने की घोषणा भी कर दी। सिंधिया ने सोमवार को खुद हाथ पकड़कर पीड़ित परिवार को नए घर में प्रवेश कराया। सिंधिया रविवार रात भावखेड़ी पहुंचे तब पीड़ित परिवार ने शिवपुरी में बसने की इच्छा जताई। सोमवार सुबह सिंधिया ने प्रभारी मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर के साथ कलेक्टर व एसपी से बातचीत की तब पीएसक्यू लाइन में सरकारी आवास पर नगरपालिका पीडब्ल्यूडी सहित प्रभारी मंत्री व प्रशासनिक अधिकारियों का अमला पहुंचा और महज 2 घंटे में उस सरकारी आवास की सूरत बदल दी गई। दोपहर 1 बजे सिंधिया कोलासर से लौटकर सीधे इस आवास पर पहुंचे और पीड़ित परिवार के सदस्यों का हाथ पकड़कर गृह प्रवेश करवाया और चाबी भी सौंपी। सिंधिया ने प्रभारी मंत्री सहित कलेक्टर से निवेदन किया है कि पीड़ित परिवार को शिवपुरी में आवास उपलब्ध कराएं, इसके लिए निजी तौर पर वो 5 लाख रुपए देंगे। उन्होंने सीएम कमलनाथ को पत्र भी लिखा जिसमें दोनों पीड़ित परिवार को 10-10 बीघा जमीन का पट्टा और 50-50 लाख रुपए उपलब्ध कराने की मांग की। 2 परिजनों को सरकारी नौकरी देने के लिए भी लिखा। पीड़ित परिवार के मनोज वाल्मीकि बोले, हादसे के बाद मिलने व सांत्वना देने सभी आ रहे थे लेकिन किया किसी ने कुछ भी नहीं था। सिंधिया जी बीते रोज घर पर ढाढ़स बंधाने आए थे और आज उन्होंने आशियाना भी दिला दिया। लोकसभा चुनाव में गुना सीट से मिली हार का दर्द ज्योतिरादित्य सिंधिया की जुबान पर आता रहता है। सीधे तौर पर अब तक उन्होंने कुछ नहीं कहा लेकिन सोमवार को जब वो शहर की पेयजल परियोजना और सीवरेज प्रोजेक्ट पूरा कराने को लेकर सवाल किया गया तो वो बोले, क्षेत्र से मेरा हृदय का संबंध है, मैं सब कुछ कराऊंगा। फिर भावुक होते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव के जो नतीजे आए उससे मेरे दिल को ठेस लगी है पर मैं क्षेत्र के लिए अपना काम करता रहूंगा। Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.